हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान के दीपक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बटेर का अंडा कितना बड़ा होता है, उसका वजन क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ ढूंढ लेते हैं बटेर का अंडा। ये एक मिल गया और ये क्या, ये तो बहुत छोटा अंडा है दोस्तों। उठा लेते हैं, ये हो गया छोटा, ये हो गया दो अंडे और एक अंडा, ये और मिल गया दोस्तों, और इधर है एक अंडा। ये दबा हुआ है, अंधेरा हुआ है काफ़ी, और एक और अंडा है इधर दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया दोस्तों। ये हमारे टोटल अंडे मिल गए हैं यहाँ पे आज के दिन 5, जिसमें कि लगभग 16 फीमेल बटेर हैं, और हम इनको उठा लेते हैं। अब हम इनका करेंगे वजन। तो फ्रेंड्स, ये हमने सारे अंडे यहाँ पे रख लिए हैं, और ये हम इसमें वेट मशीन है इलेक्ट्रॉनिक। अब हम एक का वज़न कर लेते हैं। ये देखिए, इसका वज़न है लगभग 11 ग्राम। किसी और का वज़न कर लेते हैं दोस्तों, इसका वज़न है लगभग 10 ग्राम। किसी और का कर लेते हैं, इसका वज़न है लगभग 10 ग्राम दोस्तों। अब सबसे छोटे वाले अंडे का वज़न करते हैं, इसका वज़न है मात्र 3 ग्राम दोस्तों। और यही हम बात करते हैं मुर्गी के अंडे की। तो मुर्गी के अंडे का एक वज़न होता है लगभग, देखिए 46 ग्राम। अब वो साइज़ डिपेंड करता है कि मुर्गी कौन सी नस्ल की है, उस हिसाब से अंडा छोटा बड़ा हो सकता है। 30 ग्राम से लगभग 80 ग्राम तक मुर्गी का अंडा होता है। और बटेर का अंडा दोस्तों, अब आपने देख लिया है, बटेर के हम अगर 3 अंडे मिलाएँ तो एक मुर्गी के अंडे के बराबर